बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल कल जयपुर आएंगे। डॉक्टर अग्रवाल कल सुबह 11:40 पर जयपुर पहुंचेंगे। प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर संगठनात्मक बैठकें लेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर प्रदेश पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी प्रदेश प्रभारी मुलाकात करेंगे। उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में भी जाएंगे प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल। कल सुबह 11:40 पर जयपुर पहुंचेंगे। उपचुनाव के मद्देनजर संगठनात्मक बैठकें लेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल कल जयपुर पहुंचेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? कल बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर पहुंचेंगे और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर लगातार तमाम बैठकें भी हो रही हैं, किस तरीके से जीत हासिल करनी है, कार्यकर्ताओं को भी मंत्र दिए जा रहे हैं। उन पर उनका फोकस रहेगा। संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग रहेगी। मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी इस दौरान साथ रहेंगे। मकसद यही रहेगा कि कैसे विधानसभा उपचुनाव के जो रण है उसको खत्म किया जाए, कहाँ और संगठन को मजबूती साथ लगाया जाए, कहाँ अधिक काम करने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी ने एक पूरी रणनीति के साथ एक संरचना के साथ इन चुनावों में संगठन और सरकार मिलकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं संगठन की जिम्मेदारी है, कुछ व्यवस्थाओं में सरकार अपना रोल निभा रही है। मतलब यही कि संगठन अपने बूथ लेवल को मजबूत करे, क्योंकि बूथ पर अगर आप वोटरों को पहुंचाओगे तो सफलता मिलेगी। यही वजह है कि पार्टी का पूरा फोकस इन चुनावों पर है। ऐसे में संघ की मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। जी नहीं, चलिए लाल सिंह, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो उपचुनाव के मद्देनजर संगठनात्मक बैठकें होंगी और कल बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर पहुंचेंगे।